नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Moto G51 5G versus Tecno Pova 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो G51 5G में 6.71 इंच जबकि Pova 5G में 6.8 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो G51 5G में 3.01 इंच जबकि Pova 5G में 3.08 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो G51 5G में 0.36 इंच जबकि Pova 5G में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो G51 5G में 6.8 इंचेस जबकि Pova 5G में 6.9 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन G51 5G में 1080x2400 और Pova 5G में 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो G51 5G में 85.64% जबकि Pova 5G में 83.79% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो G51 5G में 387 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Pova 5G में 389 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो G51 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Pova 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो G51 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Pova 5G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो G51 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Pova 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो G51 5G में Adreno 619 जबकि Pova 5G में Mali G68MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो G51 5G में Qualcomm Snapdragon 480 Plus और Pova 5G में MediaTek Dimensity 900MT6877 मिलता है। बात करें RAM की तो G51 5G में 4GB जबकि Pova 5G में 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो G51 5G में 64GB जबकि Pova 5G में 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी G51 5G में 5000mAh जबकि Pova 5G में 6000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो G51 5G में 2 कलर्स जबकि Pova 5G में 1 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो G51 5G 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिल जाता है और बात करें Pova 5G की तो वो 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 19,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Moto G51 5G में 4 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Tecno Pova 5G की तो उसमें 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है।
फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 Pro है, दूसरा Tecno Camon 16 है, तीसरा Realme 7i है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y51 2020 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।